देखिए मेरे पास तो शाहिद आफरीदी की यादें हैं, मुश्ताक की यादें तो मैंने बता दी, 53 बरस के हो गए माशाल्लाह मुशी, और इनकी यादें तो पिछले प्रोग्राम में बता दी, लेकिन नहीं ये नहीं जब आजकल 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 सॉरी इकबाल भाई, एक तो सलाम हो आपको, आजकल मेरी एज के पीछे सारा क्राउड भरा हुआ है, ये क्या चक्कर है आजकल? अब इरम ने भी शुरू में कहा आपने नजरअंदाज कर दी। Do I look very old? बुरा तो नहीं लगने लग गया कहीं? नहीं नहीं, ये अलग है, गोल्डन जुबली मुकम्मल कर चुके हैं लेकिन लगते नहीं है ना, बाद लोग होते हैं कि जिनकी एज ज्यादा होती है वो कम लगते हैं, लेकिन मुशी कम लगते हैं। शाहिद की मैं बताऊं आपको, शाहिद जब 4 अक्टूबर 1996 को वर्ल्ड कप जो हुआ श्रीलंका के खिलाफ मैच कीनिया में खेल कर इस बॉलों पर सेंचुरी की, उस वक्त मैं एक अखबार में था और मैं शाहिद को तो शुरू से कवर कर रहा हूँ जब ये KESC में खेलते थे अंडर 19, क्योंकि इनके भाई तारिक आफरीदी इनको बड़ा उस वक्त प्रमोट करते थे कि मेरे भाई में बड़ा टैलेंट है। तो मैं दिलचस्प वाक्य बताऊँ कि शाहिद उस वक्त नए नए आए थे और अब तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इन्हें जानती है, तो ये मेरे दफ्तर आए और नीचे गार्ड ने इनको रोक लिया, गार्ड ने कहा कि कौन है, उन्होंने बताया कि उनको बताओ कि मेरा नाम शाहिद आफरीदी है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा भाई ये तो पाकिस्तान का अपकमिंग स्टार, इसको ऊपर भेजो। तो ये गुलाब जामुन लेकर आए थे क्योंकि इन्होंने 37 बॉल पे 100 किए थे, तो ये गुलाब जामुन लेकर आए थे और इन्होंने खिलाया, और उनका पहला इंटरव्यू मैंने वही अपने अखबार के लिए किया। तो ये तो यादें हैं, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप की जो यादें हैं वो कौन भूल सकता है, जिस तरीके से जावेद मियांदाद ने किरण मोरे का मजाक उड़ाया था जंप कर करके, और वो वाकया बड़ा मशहूर हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं 92 के वर्ल्ड कप के, एक बड़ी लंबी तारीख है। मुश्ताक चूंकि खुद वहां मौजूद थे तो मुशी ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। आपकी जानी बढ़ते हैं और 92 से पहले 96 की जानी बढ़े, आप 92 के हवाले से पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, कोई सवाल या आप भी कोई बात करना चाहें? मुशी भाई, मैं फिर मुशी भाई से पूछना चाहूंगी, हम बार बार बात करते हैं द रोल ऑफ जावेद मियांदाद, बिकॉज ऑब्वियसली कप्तान के साथ जिस तरह आपने कहा ना थॉट प्रोसेस होती है, ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं इन द करंट टीम, ऑब्वियसली मैं कंपैरिजन नहीं करवाऊंगी, मगर ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कोई खिलाड़ी जो आपको हमारी टीम में दिखता है जो बाबर को इस तरह का सपोर्ट दे सके, ऐसा स्ट्रीट स्मार्ट हो सके जिस तरह जावेद मियांदाद साहब? देखिए हर टाइम की एक वैल्यूज़ होती है, हर टाइम के ऊपर आपने अपने प्लेयर्स को देखना होता है। हम इस टीम के बारे में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ भी है वो सारों की एज एक बराबर है, तो इसमें से एज का डिफरेंस होना, जो मैं एज को लेके आया हूँ ना पेपर्स के ऊपर, कि हर टीम जो चैंपियन बनी है वर्ल्ड कप में उसमें 4-5 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की, जिसको हम सीनियर कहते हैं, वंस अगेन आई हैव टू से दिस, जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस उनको सीनियर करती है नंबर 1, और नंबर 2 उनके मॉरल्स वैल्यू, जो इज्जत कमाते हैं वो यंगस्टर्स को कोच करके, ऑनरशिप लेके, वो जो इज्जत है, जैसे शाहिद ने भी कहा कि हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे कि हमें उन्होंने ऑन किया था, आज इस ड्रेसिंग रूम में इतने ऑनरशिप लोग इस एज के सेम एज के लोगों की बात जो होती है ना एक दूसरे को इतनी जल्दी दिल पे नहीं उतरती, बड़े की एज, बड़ी एज वाला प्लेयर होता है ना उसकी बात जल्दी उतरती है। सो आपका जो क्वेश्चन है, इस टीम में अगर कोई स्ट्रीट स्मार्ट है जावेद भाई की तरह, वो रिजवान है, वो अमामुल हक है, अमामुल हक भी बड़ा स्मार्ट है, उसको भी रन्स करने का तरीका आता है, बट एज सेम है, अपने अपने वो अपने अपने स्कोरों के अपनी अपनी परफॉर्मेंस के चक्कर में जब कोई बंदा ऐसी बात करता है तो बहुत कम होता है कि लोग एक दूसरे को इतनी रिस्पेक्ट दें। सो 92 में ये बड़ा हमें एडवांटेज था कि इमरान भाई 40 साल के हो गए थे, जावेद भाई 36-37 साल के थे, रमीज़ राजा, सलीम मलिक साहब ये ओवर 35 थे, 33 थे, तो ये 4-5 ऐसे बंदे थे जब हम शाम को भी निकलते थे तो ये बताते थे कि भाई कल मैच है, जल्दी आना वापस, लेट ना होना, कल अपनी एनर्जी, कल बड़ा क्रूशल मैच है। ये तब वो बंदा कहेगा जिस बंदे ने पहले ये काम किया हो, उसको फेलियर हुआ कि रात को जल्दी सोने से आप अगले दिन आके अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आप उसी की बात सुनेंगे जिसने किया होगा ये। तो जो बंदा परफॉर्मेंस किया होती है ना, जिसने 100 किया होगा, वो जब 100 करने का तरीका बताएगा आपको, आम डोमेस्टिक जिंदगी के बारे में बताएगा, उसकी बात आपके दिल में ज़्यादा इंडल्ज होती है। तो हमारे हम वी वर लकी एक्चुअली के वी हैड प्लेयर्स इन 92, इसके लिए अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो परफॉर्मेंस की जो हमारा बिलीव नहीं था, जैसे परसों शायद ने बात की थी कि हमारा बिलीव नहीं था, मैं तो कह रहा था कि बस आखिरी मैच है, फिर जल्दी पैक करना और घर जाएंगे, फिर जाके आवाम से जाके बुरा भला सुनेंगे, मगर वो कप्तान, वो जो लीडरशिप की बात बार बार कर रहे हैं, उनका बिलीव इतना तगड़ा था, उन्होंने कहा था कि प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर्स, इफ़ यू प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर्स वी विल विन द वर्ल्ड कप। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, 92 से निकल के 96 का सफ़र करते हैं मुश्ताक साहब, और इससे पहले कि हम 96 के वर्ल्ड कप की गुफ्तगू करें, एक पैकेज है वो देखते हैं और फिर बात करेंगे 1996 के वर्ल्ड कप।
1996 के वर्ल्ड कप में पहली बार 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इवेंट की मेजबानी पहली बार तीन एशियाई ममालिक पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने की। 96 वर्ल्ड कप में शामिल 12 टीमों को दो ग्रुप में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और कीनिया शामिल थे। ग्रुप बी में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मुत्तहदा अरब इमारात और नीदरलैंड्स की टीमें शामिल थीं। 96 वर्ल्ड कप में पहली बार क्वार्टर फाइनल्स मैचेस मुतारिफ कराए गए। हर ग्रुप से चार टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान टीम की क्यादत वसीम अकरम ने की, जबकि आमिर सुहेल नायब कप्तान थे। पाकिस्तान टीम के दीगर खिलाड़ियों में आकिब जावेद, अताउर रहमान, एजाज अहमद, इंजमामुल हक, जावेद मियादाद, मुश्ताक अहमद, रमीज राजा, राशिद लतीफ, सईद अनवर, सकलैन मुश्ताक और वकार यूनुस शामिल थे। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से हार गया। इवेंट का फाइनल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर में खेला गया। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद का आखिरी वर्ल्ड कप था। जावेद मियादाद ने मुसलसल 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 1996 में श्रीलंका पहली बार क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बना। 1996 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 523 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए। भारत के अनिल कुंबले ने सबसे ज्यादा 15 विकेटें हासिल की। 96 वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड श्रीलंका के सनत जयसूर्या को दिया गया। 96 के वर्ल्ड कप का पैकेज देखा है लाला, आप बताइएगा 1996 के वर्ल्ड कप के हवाले से, क्योंकि उस वक्त तो आप बिल्कुल पाकिस्तान टीम के करीब करीब ही पहुंचे, फिर आपकी क्रिकेट भी शुरू हुई। क्वार्टर फाइनल जब पाकिस्तान हारा तो लोगों को बहुत उसका दुख पहुंचा, बहुत परेशान भी हुए, क्योंकि पाकिस्तान जो क्वार्टर फाइनल हारा, जिस तरीके से हारा, उस पर बहुत परेशानी लोगों को हुई। तो बैसीयत एक नौजवान उस वक्त आप क्या सोचा, आपके क्या रद्द अमल था और आपने किस तरह से उसका, अगर आपको कुछ याद आता है उस हवाले से? देखिए, क्रिकेट का क्रेज़, पैशनेट थे तो आज इस जगह पे बैठे हैं। तो क्रिकेट दिन रात खाना पीना क्रिकेट, मारे भी बड़ी खाई, तो क्रिकेट तो दीवानगी की हद तक प्यार की है। देखें उस वक्त, क्योंकि ये सारे मुशी भाई, वसीम भाई, इंजी भाई, विक्की भाई, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, सारे हम स्टार्स होते थे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते थे। हम रोज़ एज अ न्यू क्रिकेटर, मैं तो इनको ख्वाब में देखा करता था, इन सारों को, कि एक दिन आएगा कि मैं इनके साथ खेलूंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरे हुए। लेकिन वो जो पैशन था, और पूरा दिन बैठना मैच के लिए, मैच देखना और दुआएं करना सारों के लिए, और वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच वो उस वक्त भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो जिस तरीके से हारे, स्टार्ट बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, बॉलिंग में थोड़ा सा आखिरी में रन ज़्यादा दे दिए थे हमारे बॉलर्स ने, विक्की भाई का ओवर बड़ा एक्सपेंसिव रहा, एंड देन फिर वो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे, अगर जावेद भाई, हम ये समझते हैं कि जावेद भाई अगर ऊपर नंबर पर चले जाते, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा था, तो वो जावेद भाई पूरे गेम को लेके चलते हैं, तो वो सारी यादें, हार गए थे वो नो डाउट, गुस्सा भी था, अफसोस भी था, हर चीज था, रोए भी थे कि यार क्यों हारे, और वो भी इंडिया से हारे, क्यों हारे। बिल्कुल मुश्ताक भाई, वो क्या हुआ था, आमिर और जो प्रसाद का एक वाकया पेश आया, इस हवाले से हमेशा डिस्कस भी हुआ, लेकिन ग्राउंड के अंदर उस वक्त क्या हुआ था, क्यों अपना टेम्परामेंट वो लूज कर गया आमिर सुहेल, और इस तरह उस विकेट ने बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हुई है, लाला ने कहा कि आप भी उनके ख्वाबों में आते रहे उस वक्त। आप ये आप 92 की बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट 92 यार, ओके, इसकी बात नहीं करते, नहीं, बट 96 का एक बहुत अच्छी तगड़ी टीम थी, ऑनेस्टली वी टिक ऑल द बॉक्सेस। आपकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, सकलैन आगे थे, सकलैन को उसका दूसरा बहुत मशहूर था और बहुत अच्छे बॉलर थे, मेरी बड़ी अच्छी फॉर्म अल्लाह ने लगवाई थी एज ए स्पिनर, जो मिडिल में हम विकेट ले रहे थे, इसलिए हम बहुत फेवरेट थे, और हमारी होम कंडीशन भी थी। दूसरा, बैटिंग हमारी बहुत तगड़ी थी, आप छठे नंबर तक देख लें, जावेद भाई खेल रहे थे, वहाँ से कुछ ब्लंडर्स क्वार्टर फाइनल में पता क्या हुए, अनफॉर्चुनेटली वसीम भाई इंजर्ड हो गए एक दिन मैच से पहले, और वो जो जिनके ऊपर उनको बेचारों को शुगर हो गई, मतलब इतना उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, इतना उनके ऊपर ब्लेम गेम खेली गई कि एक बंदा इंजर्ड हो गया, वो इंजर्ड हुआ है और उसके ऊपर लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ किया तो उनको बेचारों को शुगर की तकलीफ हो गई। सोच सोच के मुझे याद है कि 96 के टूर पे जब हम वापस आए थे, वापस आने के वक्त मुझे याद है एयरपोर्ट के ऊपर से मेरी फैमिली ने गाड़ी चलती हुई, हम रात के 3 बजे पहुंचे थे, हमारी वहाँ मोहब्बत भी करती है और जब गुस्सा दिखाती है तो गुस्सा ऐसा दिखाती है कि हमारे घर में, मेरे घर में, मुझे बाकियों को नहीं पता,
तीन चार दिन तक लोकल गवर्नमेंट ने पुलिस दी हुई थी ताकि कोई आके पत्थर शत्थर ना मारे या कोई अब्यूज ना करे। इतने पैशनेट नेशन है हम। वह जो प्रसाद की और अमृत सोहेल की आपने बात की, वहां पे सबसे बड़ा ब्लंडर पता क्या हुआ, जो अब मुझे याद आता है, जो अब मैं सोचता हूँ कि उस वक्त अमृत सोहेल की जगह जुवेद भाई को कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि जुवेद भाई सीनियर थे, उनको गेम का पता था, वर्ल्ड कप 5 वर्ल्ड कप खेल चुके थे। अब 5 वर्ल्ड कप खेले हुए बंदे को जब एक पता आपका लीडर खत्म हो गया, वो नहीं खेल रहा कप्तान, एकदम धचका लगा हम सबको। और फिर धचका लगते ही फिर अमृत सोहेल, नो डाउट ही वाज अ गुड क्रिकेटर, वेरी गुड कैप्टन आल्सो, बड़ा ब्रेनी है अमृत सोहेल, मगर उस वक्त सीनियर को देना चाहिए था। और जुवेद भाई को देते तो जुवेद भाई को जैसे हमारा सईद अनवर या कोई आउट हुआ ना तो जुवेद भाई को ऊपर भेजना चाहिए जैसे शायद ने कहा। सो ऑल दोस थिंग्स कम टू दैट।